हाय फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक फ्रॉम अभिषेक कॉम्पिटिशन कोचिंग यूट्यूब चैनल से। और आपने अब तक मेरे कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया तो जस्ट ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को देखते रहिए। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स इन एनी रिजल्ट गेटिंग, यानी किसी भी रिजल्ट को आपको पाने में मैथ का क्या वैल्यू रहता है। फिर चाहे उस एग्जाम में मैथ पूछे या ना पूछे, मैथ के क्वेश्चन कम पूछते हैं फिर ज़्यादा पूछते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको मैथ का नॉलेज होना ही चाहिए। तो मैथ में अब देखें, किसी भी रिजल्ट को लाने के लिए, खास करके लोको पायलट के रिजल्ट को लाने के लिए मैथ आपको पहुंचाना बहुत जरूरी है। और मैथमेटिक्स 25%, तो पर्सनली मैथमेटिक्स पूछता है 25% पर्सनली मैथमेटिक्स पूछता है। यदि आप मैथ जानते हैं तो रीजनिंग आपका 25% और ज़्यादा बन जाएगा, यानी कि रीजनिंग में मैथ का जो योगदान होता है, मैथ का जो पार्टिसिपेंट जो होता है वो होता है कितना, यानी यदि आपका मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं है तो आपसे 30% मैथ यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यानी कि मैथ जो है आपको रीजनिंग को बनाने में मदद करता है। उसके बाद जो है मैथमेटिक्स जो है वो साइंस के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। उसके बाद नंबर जो है उसके बाद है कि टेक्निकल के क्वेश्चन जो होते हैं, टेक्निकल ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करने में आपका मैथमेटिक्स का यूज होता है, बहुत जरूरी होता है। इसलिए रिजल्ट को दिलाने में फुल एंड फाइनल 50% जो योगदान होता है मैथ का होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं मेरे यहाँ पे जो बोलते हैं कि मेरे को चाहिए नौकरी बिना मैथमेटिक्स के, तो हम बोलते हैं ये सब कभी इम्पॉसिबल, यानी कि ये सभी ऐसा आप जो बोल रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप मैथ के बिना तो अपना पहले सबसे पहले तो अपना माइंड जो डेवलप कीजिएगा, तब तो आपको कुछ ना कुछ हो पाएगा नौकरी में, और ये बिना मैथमेटिक्स को बिल्कुल भी नहीं है। तो हम बोले चलो ठीक है यार, 2-3 महीने में आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल 100%, ताकि आप किसी और को पढ़ा सको। तो बोलता है सच्चे में इस तरह हो सकता है क्या, क्योंकि बोला कि हम तो 3-4 साल से पढ़ रहे पर फिर भी नहीं हो पा रहा, पर बोले कि हाँ अब हो सकता है क्योंकि हम आपका माइंड को ही डेवलप कर देंगे। तो माइंड को डेवलप मैं कैसे करता हूँ, वही इंट्रो लैंग्वेज एंड कैलकुलेशन को बिल्कुल उसके ऊपर मेहनत करके, और कैसे हमको पता होता है कि कौन से स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है, हमको अभी भी पता है कि आपको क्या, आप क्या सोच रहे हैं, अभी आप सोच रहे हैं कि बस ये तो सिर्फ बकवास कर रहा है और बताता तो कुछ भी नहीं। तो ये सही बात है कि पर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता कि मैं आकर के बोर्ड पे इस तरह से पढ़ाऊँ, क्योंकि अभी जस्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। चलो ठीक है, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी कम से कम देता रहूँगा, और यदि आप लोग मेरे कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो आपका बिल्कुल एक बार में रिजल्ट होगा, कहीं पर भी किसी भी नौकरी में, किसी भी रिजल्ट में, यानी किसी भी बोर्ड में, किसी भी पोस्ट पे, तो बस एक बार ज्वाइन कर लीजिए और 3-4 महीने का कोर्स होगा, 4 महीने का कोर्स कीजिए और नौकरी लेके ही जाइए। यदि नौकरी वहाँ से नहीं मिल पाती तो हमसे लीजिए नौकरी, हम आपको देंगे नौकरी, क्योंकि हमको तो खुद पर तो भरोसा है ना। और आप मेरे यहाँ पढ़िएगा तो बस बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी। और इसका जो फी है मेरे यहाँ पे दलसिंह साहब का फी है, आपको 30,000 रुपये लग जाएगा पूरा हॉस्टल के साहित्य, हॉस्टल खाना और कोचिंग को लेकर के। और यदि आप इलाहाबाद में आके कोचिंग करते हैं तो उसका फीस 17,000 रुपये, लेकिन जो प्रथम 50 स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट का बचा हुआ रजिस्ट्रेशन तो आप ले सकते हैं, तो आपको 12,000 में ही हो जाएगी, 5,000 रुपये मैं आपको वहाँ पे छूट दे दूँगा। तो प्लीज़ जस्ट ज्वाइन कर लीजिए और मैं आपको बताते रहूँगा कि कैसे कैसे आपको मैथ बनाना है, जो भी करना है, यदि आप लोग मेरे कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर पाते। हाँ एक और बात है कि जिससे यदि आप मेरे कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गरीब है या फिर कहीं पर नौकरी करते हैं, तो आप मेरे कोचिंग के नोट्स को ही मंगवा सकते हैं, और ये नोट्स आपको स्पीड पोस्ट से हम यहाँ पर सेंड कर देंगे। नोट्स को लेने का तरीका क्या है, मेरा 8406891116 इस नंबर को व्हाट्सएप पर उसका DP यानी प्रोफाइल पिक्चर चेक कीजिए, आपको फुल प्रोसेस मिल जाएगी। तो हम देखें कि हम जो बात करते हैं वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स, तो बिना मैथमेटिक्स से कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि आपकी मैथमेटिक्स नहीं अच्छी है, आपकी मैथमेटिक्स 100% होनी चाहिए, यदि नहीं है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए अभिषेक कॉम्पिटिशन कोचिंग को, क्योंकि किसी और कहीं और पर जाइए तो आपके मैथमेटिक्स को ठीक करने में आपको कम से कम 3-4 साल तक का समय लगेगा, 3-4 साल तक, क्योंकि बहुत बेकार सिस्टम ऑलरेडी, टीचर का मैथ क्लियर नहीं तो आपका क्या करेंगे। और आपको मैं फुल गारंटी के साथ करता हूँ, यदि आप यहाँ पे आते हैं मैथमेटिक्स 100% हो जाएगी, और मैथ ही के ही दम पे तो हम स्टूडेंट का रिजल्ट लाने का पूरा गारंटी लेता हूँ, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। और हाँ एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग यदि नोट्स को लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप मेरे कोचिंग में बताइए, क्योंकि कोचिंग में आने से बात क्या होती है,
प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कोचिंग में आते हैं स्टूडेंट नोट्स के लिए और मुझसे पर्सनली मिलने के बाद कहते हैं कुछ ऐसा बोल देते हैं कि सोचते हैं क्या कि जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कहते हैं कि आप जो रिजल्ट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट में, क्या दूसरा तरीका भी है क्या रिजल्ट लेने का, मतलब क्या सेटिंग गेटिंग, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं किसी भी स्टूडेंट से अब मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे साथ इस तरह की बातें की है। पर मैं एक इंडिया का पार्ट हूँ, मैं इस सब चीज़ को मिटाने के लिए ही इस कंपटीशन कोचिंग को स्टार्टिंग किया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग यदि ऐसा सोचते हैं कि कॉम्पिटिटिव में मैंने कंपटीशन निकालना है तो पैसे के दम पे हो सकता है 8 लाख 10 लाख रुपये खर्च करके नौकरी ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, आपको दिला सकता है कोई भी, यानी कि आपको जो भी उस एरिया में जो भी दलाल हो या फिर कोई भी हो आपको दिला देगा। पर सोचिए कि, पर मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ कि 3 से 4 साल के बाद आपकी प्रमोशन होती है, 3 से 4 साल के बाद आपकी होती है प्रमोशन, और उस प्रमोशन में एक एक डॉक्यूमेंट को फिर से चेक किया जाता है, और कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेज में आप पकड़े जाइएगा और आपको जाना पड़ेगा जेल। जितना पैसा आप वेतन ग्रुप में लीजिए उसका डबल आपको लौटाना पड़ेगा। तो क्यों ना अपनी लाइफ को सक्सेस बनाए और अभिषेक कॉम्पिटिशन कोचिंग में मेहनत करने के बाद नौकरी लेके ही जाए। तो इस तरह से बात है, और मैंने इस तरह की बात है कि तो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, मैथमेटिक्स कंप्लीट कीजिए बिल्कुल 100%, आपका 50% समझिए कंपटीशन निकल गया, और 60% 50 to 60% तो रिजल्ट दे ही देता है। तो फिर बस किसी भी तरह कुछ भी भ्रम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी मिथक हो अपने मन में, किसी भी तरह का सवाल उठता हो तो इस वीडियो को कमेंट में डालिए अपना क्वेश्चन जो भी लिखना हो, और मैं उसका जवाब मैं दे दूंगा Q&A एक वीडियो बना करके। तो बस जल्द से जल्द इसको इस वीडियो को, तो मैं तो ऐसा ही कुछ से कुछ बताते रहता हूँ, तो ये थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स था ताकि आपका माइंड क्लियर हो सके किसी भी चीज़ के बारे में। सोचिए जब मैं एक छोटा सा बच्चा 22 साल का, कंपटीशन की दुनिया में 22 साल का एक छोटा सा बच्चा ही होता है, कोई कोई स्टार्ट ही करता है, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट को, हर एक चीज़ को, हर एक पोस्ट के लिए, और इस तरह की बातें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो बस ज्वाइन ज्वाइन कीजिए मुझको, और किसी भी तरह कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर डालिएगा, और किसी और की बातों विश्वास मतलब भरोसा मत कीजिए, लोग आपको 90% स्टूडेंट आपको या फिर कोई भी हो आपको नेगेटिव ही मिलेंगे कि ये मत करो ये मत करो ऐसे करो ऐसे, हम कहते हैं करके देखो यार देखते हैं क्या होता है। बस एक बात का ध्यान रखना, टाइमिंग टाइम आपका कहीं पर ही बर्बाद नहीं होना चाहिए। हम चाहते तो अपने कोचिंग के टाइमिंग को 1 साल भी रख सकते थे और 30 जगह पे 1 लाख भी ले सकते थे, पर हम क्या हम सबके टाइम बचाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास भी टाइम बहुत कम है। हम चाहते बिल्कुल जल्द से जल्द किसी की भी नौकरी लग जाए या फिर तो उसकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, एक बार फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लीज़ वेट कीजिए और लाइक करके लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार देख रहे हैं, तो शेयर तो जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए एक बार फिर से।